तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एशिया ट्रेनिंग में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि HSC मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ HSC मैनेजमेंट सिस्टम। HSC मैनेजमेंट सिस्टम के टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो चलिए हम उसे जानते हैं। फर्स्ट में जो आता है वो है लीडरशिप, कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड में जो आता है वो है पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड में जो आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेस एंड कॉम्पेटेंस। फोर्थ में जो आता है वो है रिस्क एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। फिफ्थ, प्लानिंग स्टैंडर्ड प्रोसीडर। सिक्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। सेवन, ऑडिट एंड 8 मैनेजमेंट रिव्यू। चलिए फिर से इसे दोबारा समझते हैं। फर्स्ट में है लीडरशिप, कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड में है पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव। थर्ड में है ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेस एंड कॉम्पिटेंस। फोर्थ में है रिस्क वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। फाइव में है प्लानिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्योर। सिक्स में है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। सेवन्थ में है ऑडिट और 8 नंबर पे आता है मैनेजमेंट रिव्यू। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये 8 एलिमेंट्स पता चल गया होगा। हमने यहाँ पे टोटल डिटेल्स में जानकारी नहीं दिया है, हमने खाली सिर्फ उस एलिमेंट्स के बारे में बताया है जो HSC मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। अब जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे और किसी ने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि HSC मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट्स क्या है, तो आप बता सकते हो कि ये 8 एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।